आईसीसी T20 विश्व कप में मंगलवार को शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने 8 विकेट पर 134 रन बनाए थे। इसके जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान ने 18.4 ओवरों में 5 विकेट खोकर लक्ष्य को पूरा कर लिया। मैच के हीरो रहे शोएब मलिक और आसिफ अली की शानदार साझेदारी की वजह से टीम की एक बार फिर जीत हुई। पाकिस्तान ने टूर्नामेंट में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा भी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच शारजाह में खेले गए इस मुकाबले को देखने के लिए स्टेडियम में दिखाई दी। वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी और अपने पति शोएब मलिक को चेयर करने के लिए पहुंची थी। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। आपको बता दें, इससे पहले खेले गए भारत और पाकिस्तान के बीच मैच के दिन उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बनाई थी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर रील शेयर करते हुए बताया था कि वो मैच के दिन सोशल मीडिया से दूर रहेंगी। उन्होंने वीडियो में लिखा था कि भारत और पाकिस्तान मैच के दिन जहरीले माहौल से बचने के लिए मैं सोशल मीडिया से गायब हो रही हूं। दरअसल 2019 में वर्ल्ड कप में मिली भारत से हार के बाद क्रिकेट फैंस ने उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया था। आपको बता दें, भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और शोएब मलिक की लव स्टोरी काफी विवादों में घिरी रही थी। शोएब के पाकिस्तानी होने के चलते उन्हें खूब बातें सुनाई जाती थी, लेकिन दोनों के प्यार के आगे सभी ने घुटने टेक दिए। शोएब और सानिया की शादी 12 अप्रैल 2010 में हुई थी। पाकिस्तानी क्रिकेटर से शादी करने को लेकर उनकी शादी में खूब बवाल मचा था। आपको बता दें कि शादी के बाद से दोनों ही दुबई में रहते हैं। शादी के 8 साल बाद सानिया मिर्जा ने 30 अक्टूबर 2018 को बेटे जहान को जन्म दिया था। इसके बाद उन्होंने कुछ समय के लिए अपने टेनिस करियर से ब्रेक ले लिया था। हालांकि इस साल उन्हें टोक्यो ओलंपिक्स में भी भाग लिया था। सोशल मीडिया पर सानिया मिर्जा काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपने बेटे और अपने पति के साथ अपनी तस्वीरें शेयर करती हैं।